कौन सा मेकअप करवाओगे? मुझे फंक्शन में जाना है, छोटे मोटे जो मतलब जैसे सगाई का फंक्शन है ना, उसमें तो उसके लिए आपको कर दो लाइट सा मेकअप, वो ज्यादा डार्क ना हो। अच्छा, ठीक है ना, इसी ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो कितने पैसे लोगे आप मेकअप के? मतलब कम से कम बताना, क्योंकि अभी मेरे को बाद में मेकअप करवाना है, इसीलिए तो देखकर मुझे आपका बताया था किसी ने कि सही मेकअप करते हैं ये, तो एक बार इसीलिए मैंने सोचा कि ट्राई कर लेती हूँ जाके देख के, इसीलिए। तो ठीक है, आप हल्का फुल्का करवाओगे ना? हाँ हाँ, इतना हैवी नहीं करवाना, लाइट ही करवाना है बस। 1000 रुपए तो देखो एकदम 1000, तो थोड़ा सा कम कर लो ना फिर। देखो 1000 से कम नहीं कर सकती मैं, इतना तो वो बहुत ज्यादा हल्का फुल्का करवा रहे हैं, तो 1.5। नहीं, अभी हल्का फुल्का करवा रही हूँ, फिर बाद में तो हैवी करवाऊंगी जब शादी वगैरह होगी ना, तो इसीलिए 1000 रुपए। आप सामान कौन सा लगाओगे? अच्छा लगाओगे? मैं कंपनी का सामान लगाऊंगी, आप चेक कर लेना, देख लेना। ठीक है, चलो फिर कर दो। हाँ, आपने सीखा है? हाँ हाँ, मैं अभी थोड़ा, हाँ सीखी हूँ, थोड़ा बस प्रैक्टिस भी चली रही है मेरी। वगैरह नहीं देख रही हूँ, और थोड़ा टाइम भी मैं पार्लर में कम ही दे पाऊंगी, ऐसा कोई पार्लर देख रही हूँ, हो जाएगा दीदी तो फिर मैं पार्लर में थोड़ा काम करूंगी। मॉइस्चराइजर तो इतना भर भर के लगा दिया है, मेरा पूरा फेस ऑयली कर दिया। देखो मैं हुड्डा ब्यूटी का लगा रही हूँ प्राइमर, अब मुझे तो पता नहीं आप लगा दो, मगर अच्छा नहीं, मैं अच्छा तो सा मेकअप करना। देखो हाँ, मैं कंपनी का ही सामान ज्यादातर लगाती हूँ, लोकल बस। अच्छा सा मेकअप होना चाहिए, देखें सब जने के हाँ मेकअप करवाया है, बस इसीलिए मेकअप करवा रही हूँ मैं, बस क्योंकि मुझे आपका ना एड्रेस दिया था किसी ने कि भाई वहाँ से करवा लो, मेकअप अच्छा करते हैं वो। ये औरत प्राइमर लगा रही है या मेरे मुंह पे थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रही है, ये ऐसे ही मेरा चेहरा लाल कर देगी। और आप देख सकते हो कि ये कैसे मार रही थी, मेरी आंखें भी बंद हो के बिल्कुल ही दिखना ही बंद हो गया। आप देख सकते हो, बोल रही है मैंने मेकअप सीखा है, और इसको ये तो पता नहीं कि कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन यूज करते हैं। तो आगे आगे देखो आप क्या करती है मेरे फेस के साथ में। हाँ, बाहर से तो मैं पहली बार करवा रही हूँ, बहुत देखती हूँ सबका। अच्छा। पार्टी में जाओ तो सब लोग कहते हैं बाहर से मेकअप करवाया, बाहर से करवाया, तो मैंने सोचा इस बार मैं ही बाहर से करवा के देख लेती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि सब जन बाहर से करवाते, तुम बाहर से करवा ले, वरना हम तो क्या करते हैं कि बस थोड़ा सा क्रीम लगा ली और आई शेडो लिपस्टिक से लगा लिया बस, और आईब्रो कर ली और बस हो गया, लिपस्टिक से ही ब्लशर लगा लिया। बट मैं सोच रही हूँ बहुत, मैं मतलब एक ब्लशर लेने के लिए सोच रही हूँ, मतलब जो लाल लाल नहीं लगाते गालों पे। हाँ। वो तो कौन सी कंपनी का लूँ मैं, वो बता दो कुछ अच्छा सा हो तो। आपकी चीज का मैं नहीं बताऊंगा। वैसे तो कंपनी बहुत है, लेकिन देखो कंपनी का है सामान जरा सही रहता है, आप लैक्मे का देख लो, और नहीं तो ब्लू हेवन का है, नहीं तो कई जैसे नायका से आप एक बार ट्राई करके देखो, उसमें कई प्रोडक्ट होंगे, ऐसा सर्च करो पहले, मुझे तो आपको अच्छे नहीं कंपनी का देखना। बस वही चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, वो लाल लाल लगाते ना कान पे। हाँ। बाकी वैसे फाउंडेशन तो मुझे ज्यादा वो नहीं लगता, क्योंकि मैं लगाती बहुत कम हूँ, मैं वैसे ही गोरी हुई इसीलिए, तो इसीलिए फाउंडेशन नहीं लगाती मैं ज्यादा ना, फिर इसीलिए कंसीलर भी हुड्डा ब्यूटी का लगा रही हूँ। कंसीलर देखो गाइस, हुडा ब्यूटी का कंसीलर तो ऐसे बोल रही है, हुडा ब्यूटी का कंसीलर तो मैंने अभी खुद भी परचेज नहीं किया है, और उसे ब्लेंड ऐसे कर रही थी मेरे फेस पे, पता ही नहीं चल रहा था कि ब्लेंड हो रहा है, तो बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसे छुआ छुआ के ब्यूटी ब्लेंडर लग रहा था कि मुझे
समझ नहीं आ रहा था ये कि मेकअप कैसा आएगा। तो चलो आगे देखते हैं हम क्या क्या और होता है इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हमें घर में ही जैसे कोई आ जाता है ना, तो घर में ही मेकअप वगैरह कर देती हूँ। और बाकी बाहर जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं बाहर भी सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि ये बोल रही है मैं सिखाऊंगी। अरे यार मेरा मेकअप तो सही कर दे पहले तू, तभी सिखा लेना। और दूसरा आप देख सकते हो ये ब्रश कैसे पकड़ रही है, जैसे सफेदी कर रही हो, मेरे पेंट कर रही हो, मेरे पूरे फेस को पेंट ही कर रही है यार। कंट्रोल ये सच्ची। और बहुत ज्यादा मुझे वो लग रहा था कि कैसे कैसे ब्रश चला रही है ये। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतनी जोर की मेरा फेस मोड़ा ना, मेरी गर्दन में मूंछ भी आ जाती है सच्ची। ऐसे कोई कॉन्टोरिंग करता है यार, देखो तो सही एक बार। शेडो आप देख सकते हो इतना डार्क है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा कलर है। सच्ची में मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हो। बिल्कुल रेड कलर का आई शेडो और लगा दिए क्लियर। पता नहीं समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, ये मेकअप हो रहा है या मुझे भूतनी बनाया जा रहा है। ग्लिटर इतना भर भर के कौन लगाता है यार, मेरी आंखों पे इतना वेट हो गया कि वो खुलेगी भी नहीं। लाइनर जो यूज किया है ऊंचे ब्रांड का, वो तो मेरी आंख में ही पूरा घुस गया। आप देख सकते हो मेरी आंख ही नहीं खुल रही थी, इतना ज्यादा अंदर घुस गया था। आप देख सकते हो गाइस पूरा भूतनी बना दिया मुझे। हमारे घर के आसपास ज्यादा पार्लर नहीं है, इसीलिए तो मुझे मजबूरी में यहाँ जाना पड़ गया। और मैं जान नहीं सकती कि मैंने क्यों गई, और मेरे पैसे भी वेस्ट हो गए सारे। और अभी तक मैंने जैसा मेकअप नहीं किया, शायद ये वैसा मेकअप हो गया है। आउटलाइन भी मुझसे लगवा दिया, इसके पैसे कट करूंगी। देख सकते हो आप आउटलाइन मैं लगा के दे रही हूँ, तो फिर पैसे क्या दूंगी मैं।
थोड़ी देर सूखने दो, तक सूखने दो, 10 मिनट मतलब रहने दो लिपस्टिक को, पेंट तो नहीं लगाया ना कहीं मेरे। बाल खुले रखना तो बनता है, भूतनी जो लग रही हूँ मैं, और बिल्कुल भूतनी बना दिया आप देख सकते हो, आई शेडो पल के बस समझ नहीं आ रहा कि क्या बन गई हूँ मैं। मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी। वन थाउजेंड तो ऐसे मांग रही है जैसे पता नहीं क्या मुझे हूर की परी बना दिया है, और अगर इसे 1000 दूंगी तो मैं कितने लूंगी आप बता सकते हो मुझे कमेंट करके। सब अंधेरा करके बैठे मैं यहाँ, तो रिया को दिखाते हैं मेकअप। रिया देखियो मेकअप, 1000 रुपए वेस्ट चले गए मेकअप। 1000 रुपए में मेरे इतने अच्छे मेकअप प्रोडक्ट आ जाते। बहुत अच्छा सुना था यार पार्लर के बारे में। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पार्लर में ऐसे मेकअप होता, वो तो करती गई तो मैं कराती गई बस चुपचाप। वाकई में डर जाएगा कोई तो। गाइस आप देख सकते हो ये मेकअप हुआ है मेरा। तो रिंग लाइट में दिखाती हूँ आपको एक बारी, थोड़ा सा इसका रिव्यू देती हूँ कि ये क्या हुआ है। मेरे को पार्टी में तो खैर जाना नहीं है इसीलिए, बट फर्स्ट टाइम ये वीडियो किया है मैंने, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये वीडियो ये मेकअप देख सकते हो आप। आरव डर गया, आरव डर गया, आरव जुकाम। हाँ गन्नू को जुकाम हो रहा है। गाइज ये आईब्रो तो ऐसा लग रहा है क्रूर सिंह की आईब्रो नहीं होती है, क्रूर सिंह की। और देखो लैशेस भी। रिया पता है क्या कह रही, कह रही मैं ना बहुत अच्छे प्रोडक्ट यूज करती हूँ ये वाले। और देखो ब्लशर देखियो कहाँ तक लगाया है। और लिपस्टिक की मैंने शेप बना के दी थी, फिर भी देख क्या हाल हुआ है। गाइज ऐसा मेकअप करके तो मैं कभी भी पार्टी में नहीं जाऊंगी, डर जाएंगे सब लोग। तो ये एक वीडियो था जो मैंने किया फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे, तो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। गाइज आप कमेंट लिखने में भी थोड़ी कंजूसी करते हो और सब्सक्राइब करने में भी थोड़ी कंजूसी करते हो, तो डियर ऐसा मत करना। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो तो मुझे जरूर बताना। और ये मेकअप तो मैंने कर लिया है और 1000 रुपए वेस्ट हो गए हैं सिर्फ आपके लिए, तो 1000 लाइक तो प्लीज इसे दे ही देना, और 1000 जने सब्सक्राइब भी कर लेना। गाइस वो रेड कलर का बटन होता है उसको सब्सक्राइब करने में आप क्यों कंजूसी करते हो यार, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, प्लीज मेरा साथ दे दो, मैं बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ, प्लीज प्लीज मुझे अच्छा लगता है। और अगर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको एंजॉय लग रहा हो, आपका थोड़ा सा फनी मोमेंट भी लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस देख सकते हो मैंने पूरा ड्रेस पहना है इतनी गर्मी में, और मतलब मेकअप तो 1000 रुपए भी किया। अरे यार वीडियो बनाने के लिए करवाया, 1000 रुपए वेस्ट हो गए मेरे। देखिए मेकअप कैसा लग रहा, भूतनी।
गाइस मैं अपने हस्बैंड को भी एक बार दिखाती हूँ ये मेकअप कि कैसा हुआ है, ठीक है? क्योंकि क्या उनका भी ओपिनियन लेते हैं कैसा है ये। देवली में पार्लर है देखना। अरे मैं तो ऐसे घर वाले पार्लर में चली गई थी, मैंने कहा देखती हूँ इसका रिव्यू क्या होता है पार्लर का, देखना। अच्छा नहीं लगा? अबे यार 1000 रुपए भी चले गए, लेकिन कोई बात नहीं, 1000 रुपए चले गए, पता तो चला मेकअप का थोड़ा। मुझे तो हाँ बार बार लगा भी देखा, बाहर घूम के आऊंगी। हाँ सच में बाहर लोगों का ओपिनियन ले लिया ना मैंने तो पागल हो जाएंगे लोग। वो कर रही थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात, मेरे को अच्छा सा मेकअप करना, वाटर प्रूफ जो शाम तक चल जाए। चलो ठीक है ना, ठीक है। चलो ये वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे जरूर बताना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।